हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ सी न्यू। सो आज मैं आपके साथ एक इजी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। और ये इजी मेकअप लुक बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। तो बिना कुछ देरी के चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका इजी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कुछ देरी के चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई करना है। देन सेकेंड स्टेप में आता है प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है कलर बार यूएसए परफेक्ट मैच प्राइमर। और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ये हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है और अच्छे से फिनिशिंग लुक प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम इन द शेड ऑफ बेज। ये एसपीएफ 30 के साथ हमें मिलता है। यहाँ पे मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना तो यहाँ पे आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो और चाहे तो आप यहाँ पे बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज़ ये डे लुक है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल नेचुरल लुक क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है सीसी क्रीम और उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप उसको मर्ज कर सकते हो या फिर कोई भी ब्रश के हेल्प से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये सीसी क्रीम इंस्टेंटली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, ब्राइटन अप स्किन आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन अनइवन है तो उसको इवन करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस है तो आप उसको एक और एक ज़्यादा एक लेयर और अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने अंडर आई पे वापस से एक लेयर अप्लाई किया है ताकि मेरे अंडर आई डार्क है तो थोड़े बहुत उसको लाइटन अप करने के लिए मैंने और एक बार ये सीसी क्रीम अप्लाई किया है। फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी पाउडर का यूज़ किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर का इन द शेड ऑफ 220 नेचुरल बेज। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है निका के न्यूयॉर्क आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही क्यूट पैलेट है और इसमें उसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैंने येलोइश कलर पिक किया है और ये कलर मैं अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट करना था इसीलिए मैंने बहुत लाइटली अपने आईलिड पे अप्लाई किया है। आपको बहुत हल्के हाथ से इसको अप्लाई करना है। आप चाहे तो यहाँ पे फिंगर टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है तो आप नॉर्मली फिंगर टिप से भी ये अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड शेड जो ने पिक किया है वो है थोड़ा सा ब्राइटर कलर है और इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम उसको अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा सा आईज़ अपने अट्रैक्टिव लगे। मैंने उसको ज़्यादा डार्क नहीं किया, मैं बहुत ही हल्के हाथ से उसको मर्ज कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्ड एजेस ना रहे।
लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नायका की पेंसिल, जो कि है ये काजल की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो या फिर लाइनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ब्राउन कलर है, थोड़ा सा शिमरी काइंड ऑफ लुक आता है और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लाइनर यूज़ किया है, बहुत ही सटल मेकअप लगता है अगर आप ब्राउन कलर का लाइनर या फिर काजल यूज़ करते हो तो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विंग लाइनर अप्लाई किया है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लिया और बहुत ही क्यूट लगता है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली, मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन टोटल टेम्पटेशन वाटरप्रूफ मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपके लैशेस को ये बहुत ही ज़्यादा थिक दिखाता है और आपको फेक आईलैशेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे टू डे मस्कारा यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, इससे आपके लैशेस बहुत ही ज़्यादा थिक और लॉन्ग दिखती है, जैसे कि यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो। आईब्रो पेंसिल के लिए मैंने यहाँ पे नायका पेंसिल यूज़ की है इन दी शेड ऑफ कोवन कोकोआ 01 आईब्रो पेंसिल। सो इसमें एक स्पूली आपको मिलता है और दूसरे साइड में आपको पेंसिल मिलता है, ब्राउन कलर है इसका। तो स्पूली के हेल्प से मैं अच्छे से अपने आईब्रोज क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं पेंसिल से अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी। यहाँ पे हमारे दोनों आईब्रोज फिल करके हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है, आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया है मेबलिन की लिपस्टिक इन दी शेड ऑफ 211 रेड रश। ये बहुत ही डार्क लिपस्टिक है रेड कलर में, तो आप इसको एज अ ब्लश लिपस्टिक जैसे चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपके चीक्स थोड़े अट्रैक्टिव और पिंकिश लगे। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन, और ये बहुत ही अच्छा मतलब इसको आप एज अ ब्लश भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर हाइलाइटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको स्पेसिफिकली हाइलाइटर की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 30M रीगल रूबी, यह है नायका की लिपस्टिक और ये बहुत ही अच्छा शेड है, तो यहाँ पे मैंने ये शेड यूज़ किया है। और चाहिए तो आप दूसरा भी न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हो, 07M विकेट वाइन, ये भी बहुत अच्छा शेड है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों शेड ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
यहाँ पे हमारा फाइनल लुक, ये बहुत ही सटल न्यूड आप बोल सकते हो, डे टू डे मेकअप के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई पार्टी फंक्शन है या फिर फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आप तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज अ न्यू नेचुरल मेकअप लुक की तरह। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।